हल्द्वानी की एसटीएच की केंद्रीय लैब के निजी हाथों में जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही इस बात की भी पूरी आशंका है कि लैब में होने वाली जांचों के दामों में भी भारी बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में हल्द्वानी में चल रही निजी लैबों की जांच दरों में तुलना करें तो जांच के लिए एसटीएच में जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें 5 से 6 गुना तक अधिक देनी पड़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान आर्थिक रूप से कमजोर गरीबों को हो सकेगा। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में केंद्रीय लैब में 3 अंग हैं, तीनों में एसटीएच की ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी में आने वाली तकरीबन करीब 700 से ज़्यादा मरीजों की जांचें होती है। सरकारी छूट के चलते वर्तमान में यहां की जांचें बाजार से तुलना में बेहद सस्ती है, किफ़ायती भी है। लैब निजी हाथों में जाते ही इस पर सरकारी छूट के साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण भी खत्म हो जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पैथोलॉजी लैब जो है अपनी डिपार्टमेंट्स हैं, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, 3 डिपार्टमेंट्स हैं। इनमें वो सारे जो भी जांचें होती हैं सब करी जाती हैं। कुछ सरकार की नीति रही है कि उसमें जो जो केमिकल्स एंड रिएजेंट्स होते हैं वो सेंट्रलाइज खरीदे जाएंगे, जो पूरे उत्तराखंड के सारे मेडिकल कॉलेजेस को वो दिया जाएगा। रिएजेंट्स वहाँ सप्लाई होंगे तो एक एजेंसी आइडेंटिफाई करके उसके थ्रू आएंगे, वही करेगी, लोकलाइज परचेज नहीं होंगे, वैसे करेंगे। और प्लस उनकी जो है कुछ चीज़ें जो हमारे टेस्ट नहीं होते थे, जैसे हार्मोनल एसेज नहीं होते हैं, ट्यूमर मार्कर्स नहीं होते हैं, कई और स्पेशलाइज जांचें नहीं होती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे और उनकी भी सेवा अलग से होंगी और हमारी चल रही थी वो चलेंगी। और जो रेट्स का है अभी तक ऐसा कोई नहीं है, जो हमारे यहाँ के जो भी प्रचलित रेट्स हैं अभी वही रहेंगे। जब तक ऊपर शासन से कुछ अगर आता है तो नीचे चेंज वाली बात है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भ्रामक स्थिति की नौबत नहीं है। हमारा स्टाफ तो रहेगा ही, और अपना जो निर्धारित काम था करेगा। उनको जो कोई एडिशनल मैन पावर चाहिए अपनी, जैसे कहीं कलेक्शन में उसमें करनी चाहिए, वो अपना वो लाएंगे, वो अपने सर से।